हेलो। अच्छा यार, तो सीन कुछ ऐसा है कि ना, मैं ना घर में सबसे छोटी औलाद हूँ। और छोटी औलाद की ना लाइफ की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली ये कि वो पैदा होता है, दूसरी ये कि ओहो मैं तो दही मंगवाना भूल ही गई, तीसरी मौत। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा घर में बैठा हुआ था, तो टीवी लगा हुआ था, तो टीवी पे एक बंदा बोलता है इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो पापा मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। वो तो पापा भी घर में सबसे छोटे थे, दादा वो पापा की तरफ देखना शुरू हो गए। तो आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड अकॉर्डिंग टू द मिडिल क्लास सिनेरियो आई एम वेरी पुअर एंड आई हेट रिच रिच पीपल्स बट आई लव देयर लाइफस्टाइल्स। हाउ मेनी रिच पीपल इन द हाउस, गिव मी सम मनी। तो मैं बड़ा मिडिल क्लास लाइफ से बिलोंग करता हूँ। तो एक दफ़ा मतलब कि मिडिल क्लास के अगर मैं एक दफ़ा अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैं ना स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा वो क्यों होता है? मैंने कहा वो एक लड़का खड़ा रहता है स्टेज पे और एक हाथ में माइक होता है उसके, और वो लोगों पास आता है, ठीक है, उन लोग हंसते हैं। तो पापा ने कहा दीदी हले भी लोड है। तो सीन कुछ ऐसा था कि मुझे ना, मैं बात कर रहा था अमीरों के लाइफस्टाइल की, ठीक है। तो पापा ना मेरे जो अमीरों के माँ बाप होते हैं ना, जो बच्चा उनके पास जाता है तो उनको कहता है कि पापा मुझे इस महीने की पॉकेट मनी दे रहे हो, तो अमीर माँ बाप का जो अमीर बाप होता है वो कहता है अगले महीने की भी ले लो, अगर कम पड़ जाए तो मुझसे ले लेना दोबारा। तो मैं हमारा जो पहली बात यह है कि हमारी पॉकेट मनी नहीं होती, ठीक है, हमारा होता है हवाई खर्चा, मिल गया तो मिल गया वरना बाढ़ में जाओ, ठीक है। तो हम ऐसे भी नहीं मांगते कि हमें खर्चा चाहिए, ठीक है, हम कहते हैं पापा वो ना थोड़े से खुले पैसे देना। तो वो देते भी हमें चिल्लर है, ठीक है। तो मैं अगर गलती से थोड़े से ज्यादा पैसे मांग भी लो ना, तो आगे देखेंगे उनका एक डायलॉग होता है, निकल लड़के पहली फुर्सत में निकल, तेरी घर में कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा मिडिल क्लास जिंदगी में आप कभी घर में स्कूल से बैठ नहीं सकते। अगर मान लो स्कूल से घर में बैठ के टीवी देख भी रहे हो ना, तो अचानक से खबर आ जाएगी रिक्शे वाले की बेटी ने किया टॉप, इनाम में मिले उसको 10 लाख और एक मेहरान गाड़ी। पापा फिर शुरू हो गए, कहते हैं बेटा देखो तुम्हारी उम्र के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहते हैं देखो तुम आगे लाइफ में क्या करोगे, क्या करोगे तुम। मैं कहा मैं ना इस रिक्शे वाले की बेटी से शादी करूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही है कि और मोस्ट अनोइंग थिंग ये होती है कि पापा मेरे पास आते हैं मुझसे मशवरा लेने के लिए, ताकि मुझे उस मशवरे से रिजेक्ट कर सके और मेरी इंसल्ट कर सके। तो आए पापा कहते हैं यार मैं सोच रहा कि ना मैं इस बिजनेस थोड़े जो ना पैसे इन्वेस्ट कर दें। मैं कह रहा हूँ तो पापा पहले भी आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, जाया कर दिए, अब तुम मुझे सिखाएगा कारोबार कैसे करते हैं। मैं कहा पापा तो पूछा क्यों, मतलब तुम्हारा लड़ा था आगे से। तो ऐसा ही एक बड़ी फनी सी स्टोरी है। मैं एक तो छोटी औलाद, ऊपर से मिडिल क्लास लाइफ, और तीसरा से मैं बहुत बदकिस्मत, ठीक है। तो एक होती है अच्छी किस्मत, एक होती बुरी किस्मत। मेरी अच्छी खासी बुरी किस्मत है, लाइक लोगों के साथ लोग खेल जाते हैं, ठीक है, मेरे साथ किस्मत भी खेलती है, ठीक है। लाइक मुझे गर्मियों में फ्लू हो जाता है, सर्दियों में पेट निकल आती है। वो भाई कह रहे हैं कि शर्ट उतार के दिखाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि फिर तो मैं ना बहुत बदकिस्मत हूँ, और मैंने सोचा कि इस टिकटॉक की जनरेशन में कि मुझे भी लव मैरिज करनी चाहिए। लेकिन लड़कियां मुझे ये कह के रिजेक्ट कर देती हैं कि तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। मैं कहा फिर तुम ही मिल जाओ। कहती नहीं हम तो अच्छे दोस्त ऐसे में। मैं कह एक शब्द भी और निकाला ना तो माँ कसम इतना इंसल्ट करेंगे ना तुमको कि सारी जिंदगी फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूमोगे।
समझ आई तुम्हें? तो मैंने कहा, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कहा नहीं यार अब तो एक लड़की सेट कर ही लेनी चाहिए। तो मैंने एक लड़की के तल्ले तुल्ले करके लड़की को सेट कर लिया। मैं कहा आगे जीवन बताएंगे तुम बिताएंगे, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लड़की मान गई। अब मेरी चौथी क्वालिटी ये है कि मैं बनौती हूँ, ठीक है, और ये वाकई में क्वालिटी है, क्योंकि मेरे साथ जितने भी जुड़े इंसान हैं, ठीक है, उनके सितारे भी गर्दिश में रहते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि ना, जब उससे मेरी बात हो रही ना, तो बात करने के तीसरे दिन उसको पता चला कि वो मोहल्ली नाई होते हैं। उसका बाप दुबई में जॉब करता था, उसके बाप का वर्क परमिट खत्म, वीजा खत्म, सड़कों पे आ गया वो। उसकी माँ का सिलाई मशीन में आ गया, बड़े भाई की नौकरी चली गई, छोटी बहन के नोट्स गुम हो गए, मतलब कि पूरी काला जादू उस पे मिल गया। लेकिन अब मेरी जो बंदी थी ना, वो बहुत क्यूट थी। अच्छा याद आया, हम ना, हमारे लड़कियाँ कहती है ऑल मेन आर डॉग्स, सब मर्द एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो हम लड़की को जाहिल या बेवकूफ नहीं कहते, हम कहते क्यूट। तो वो बहुत क्यूट थी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा, अहमद तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। मैं कहा बात करें, मैं क्या मतलब? कहती है हालात ने इस मुश्किल वक्त में तुम्हें मेरे साथ रखा, ठीक है, तो तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। मैं कहा अच्छा ऐसा हो सकता है फिर? तो सीन कुछ ऐसा हो, मेरी बंदी ना मुझे बहुत अनकंडीशनल लव करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि वो डिमांडिंग हो, तुम्हारी वाली होंगी डिमांडिंग, मेरी वाली डिमांडिंग नहीं थी जरा, ठीक है, मेरी वाली जरा भी डिमांडिंग नहीं थी। उसने मुझे नहीं कहा कि आईफोन लेके दो, आईफोन लेके दो, जैसे तुम्हारी वाली कहती, वो खुद आईफोन वाले के साथ ही गई। बहुत प्यार करती थी। अब तो उसकी शादी हो चुकी है, आई एम गोइंग टू बी अ मामू सून। कभी कभी तो लगता है अपनी कमेडी है। तो मैंने ना अपनी इस लाइफ एक्सपीरियंस को ना एक शेयर में समराइज किया, वो शेयर मैं आपको सुनाता हूँ कि अमीर जो भी करे वो बन जाता है ट्रेंड, अमीर जो भी करे वो बन जाता है ट्रेंड, जिंदगी ने मुझसे कहा आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।